देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया हुआ है लास्ट ईयर 2019-11 साइंस डिप्लोमा में। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ क्वेश्चन जब आप करें तो एक तो ये कि क्या दिया हुआ है, दूसरा ये क्या चाहिए, तब हम बात करें। हमारे पास जो क्वेश्चन है द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाई द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स दे दिया हमें एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस व्हेन द सम ऑफ इट्स टू जीरोस इज जीरो। तो अब हमारे पास जो दिया है वो क्या है, एक तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, ये मेरे पास है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो दिया हुआ है कि भाई हमारे पास ये क्यूब हो गया तो हमारे पास तीन जीरो हो गए, एक हमारे पास होगा अल्फा और एक हमारे पास होगा बीटा और एक हमारे पास होगा गामा, और हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना वन का सम, इंडिविजुअल का सम, तब आपको हमेशा याद रहेगा वन का सम हमेशा बी अपॉन है, टू का सम सी अपॉन, थ्री का सम डी अपॉन है, पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये माइनस बी अपॉन हो जाएगा, तो बी हमारा यहाँ पे माइनस बी, तो ये हो गया पी। दूसरा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, और वो होगा सी अपॉन, ये माइनस में था और प्लस में होगा तो वो होगा क्यू अपॉन वन, और फाइनली एक हमारे पास होगा अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा होगा माइनस डी अपॉन, तो माइनस आर अपॉन, ये हमें मालूम है, ये हमें दिया। अब एक्स्ट्रा हमें क्या दिया है, एक्स्ट्रा हमें दे दिया कि सर सम ऑफ टू जीरो इज जीरो, तो मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज जीरो, तो ये हमारे पास आ गया कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो है वो जीरो है। अब आपको कह रहा है कि भाई अब हमें ये जो पी क्यू आर हैं इनमें रिलेशन बनाओ, तो रिलेशन आप कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज हैं और ये जो हमें अल्फा प्लस बीटा जीरो दिया हुआ है इससे कोशिश करते हैं कि क्या इससे कोई रिलेशन बन पाता है या नहीं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई चलो इसे वन मान लेते हैं जिससे कि आपको बताने में आसानी रहे, इसको टू मान लेते हैं, इसको थ्री मान लेते हैं और इसको फोर मान लेते हैं। तो अगर वन को और फोर को हम लें, आपको समझाने के लिए फिलहाल कह रहा हूँ कि वन एंड फोर, तो आपके पास क्या आ गया कि अल्फा प्लस बीटा की जगह तो आप जीरो रख दोगे प्लस गामा रख दोगे इज इक्वल्स टू पी आ जाएगा, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी पी। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है जी, गामा की वैल्यू आ गई पी। अब जरा इस गामा की वैल्यू का टू में रख के चेक करते हैं, टू को देखो क्या है, टू हमारे पास क्या है, टू में शुरू वाला तो अल्फा बीटा है तो उसे तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो अल्फा बीटा को तो ऐसे ही रहने दो, बाद वालों में से गामा कॉमन ले लो, तो जब गामा कॉमन लोगे तो वो बचेगा अल्फा प्लस बीटा गामा और उसकी वैल्यू है क्यू, उसकी वैल्यू क्या है क्यू है। अब बताओ मैं अल्फा प्लस बीटा को क्या रख सकता हूँ, जीरो। हाँ भाई सब बच्चे बताओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन फोर से जीरो है। जीरो। वेरी गुड, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा को हम रखेंगे जीरो, जीरो इंटू गामा वो आ गया क्यू, तो जीरो इंटू गामा जीरो हो जाएगा, तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आ गया क्यू, ठीक है। अब गामा की वैल्यू कितनी आई है पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है क्यू, और हमारे पास इक्वेशन थ्री क्या है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू आर। आपको समझ में आया हुआ क्या, तो अल्फा बीटा की जगह, अल्फा बीटा की जगह हम रख देंगे क्यू और गामा की जगह रख देंगे पी और इसकी वैल्यू आ जाएगी आर, तो ये हमारा आंसर है PQ इज इक्वल टू आर।
देखो ये बात समझ में आई या नहीं आई सब बच्चों? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। यस सर आई। पहले इसे नोट करो एक बार अपने हाथ से ना, तो आपको सीक्वेंस समझ में आए। एक बार सब बच्चे इसको नोट करो। नोट कर लिया सर। वेरी गुड। देखो बात समझ में आई या नहीं आई? सर आई।